まあまあ、デビカムで、またこれ。तो शायद मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। माया देवी का मंदिर हरिद्वार में हड़की पौड़ी के पीछे बिल्कुल है, शक्तिपीठ माता है, उत्तराखंड का शक्तिपीठों में से एक है और बड़ा सुंदर, अति सुंदर है। सुंदर मंदिर माया देवी का शक्तिपीठ अति सुंदर है। पिछली बार की फोटो में इतनी साफ नहीं निकाल पाया जितनी आवाज निकालो। हे प्रभु कृपा करो, द्वारकाधीश ये धर्मशाला भी, यहाँ रहने की अच्छी खासी व्यवस्था है और कोई आता है तो यहाँ धर्मशाला में रुक सकता है। हरिद्वार हड़की पौड़ी के पीछे माया देवी मंदिर बना हुआ है, ये शक्तिपीठ में से एक है, कौन शक्तिपीठ में से, आप इसके वर्णन देख सकते हैं। और बड़ा सुंदर अद्भुत मंदिर है, विचित्र से अति विचित्र अति सुंदर है, देखा हुआ है। भी जरा सा अवलोकन कर, ये धर्मशाला है, रहने की अच्छी व्यवस्था है, यहाँ माया देवी मंदिर माया देवी शक्तिपीठ है। ये देखिए इस एरिया में टैक्सी स्टैंड के नाम से फेमस है। प्रभु पैक कर दीजिए। ये कौन सी जगह पे है जरा आप बताएंगे इसके बारे में? ये माया देवी, ये यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है और शक्तिपीठ में है। शक्तिपीठ में है और ये 52-51 जो शक्तिपीठ बोलते हैं उसमें है, उसका मूल केंद्र है। राजा दक्ष के यहाँ माँ भगवती का पहला जन्म, कनखल में राजा दक्ष धरती के पहले राजा, माता जी का भी पहला जन्म शक्ति का, ठीक है। और यहाँ से शंकर भगवान उठा के चले थे इसी स्थान से, तो इसीलिए ये 51 शक्तिपीठों का मूल केंद्र माना जाता है। ये हरिद्वार से जगह के लोकेशन के बारे में जरा सा बताइए, कैसे जो हड़की पौड़ी पे आते हैं लोग वो कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं? हड़की पौड़ी में आने के लिए तो स्टेशन और वो आते हैं, वहाँ से यहाँ कैसे पहुँचते हैं, हड़की पौड़ी से यहाँ कैसे पहुँचे, पीछे है ना, बहुतों को पता नहीं ये बात। ये ऐसा है ना, यहाँ शुरू से ही आदि अनादि काल से ही संत पूजा करते हुए आए, इसीलिए संत की माँ भी ये बोली जाती है। तो ये अपनी माँ का प्रचार करना नहीं चाहते, इसका कोई प्रचार नहीं, इसकी फोटो भी नहीं मिलने की मार्केट में, ठीक है। तो इसका प्रचार कम होने की वजह से मतलब टूरिस्ट को आने के लिए थोड़ा कई जगह पूछना पड़ता है, तो इतना ही वो है, बाकी तो हड़की पौड़ी के पौड़ी के पीछे जस्ट पीछे है ना ये? नहीं, ये एकदम स्टेशन और हड़की पौड़ी के बीच में है ना, बीच में। यहाँ से स्टेशन जाना और यहाँ से हड़की पौड़ी जाना करीब करीब बराबरी है। मैं स्टेशन से पैदल आया अभी, इतना ही और हड़की पौड़ी है जो मेन ब्रह्मकुंड है गंगा जी का। चलिए ठीक है, थैंक यू प्रभु। ये देखे मेन गेट है, यहाँ रहने की अच्छी खासी व्यवस्था है, धर्मशाला है पूरी की पूरी। धर्मशाला क्या, थोड़ा बहुत यही सब।